हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूनम है और मैं टीम नेचर बॉडी से हूँ। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे बेल के बारे में, क्या उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं, किस तरह से हम उसको यूज करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। इसका साइंटिफिक नेम है एजेलस मार्मेलस। ये जो होता है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट के रूप में जाना जाता है और ये लगभग 5000 वर्ष पहले से ही हम इसका मेडिसिन के रूप में यूज करते आ रहे हैं। इसके जो लीव्स हैं वो भगवान शिव को हम एज अ ऑफरिंग के रूप में अर्पित करते हैं ताकि उनका ब्लेसिंग हमें मिल सके। तो इस ट्रेडिशनल और स्पिरिचुअल यूज के अलावा भी बहुत सारे मेडिसिनल यूज हैं जिसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका कौन सा भाग उपयोगी होता है। इसका हर एक भाग उपयोगी होता है। इसका जो लीफ होता है वो पेन में हमको रिलीफ प्रोवाइड करता है और इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो डायरिया डिसेंट्री जैसे प्रॉब्लम्स को ठीक करने में हेल्पफुल होते हैं। इसका बार्क और रूट जो होता है हार्ट जैसे हार्ट के प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है। इसके लीव्स के जूस को अगर हम हनी के साथ मिक्स करके और 16 ग्राम के आसपास अगर कंज्यूम करते हैं तो ये हमको कॉमन फीवर या फिर किसी भी प्रकार का जो ज्वर होता है उसमें आराम दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही अगर इसके फ्रेश जूस को अगर हम ब्लैक पेपर के साथ अगर इसका सेवन करते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन जॉन्डिस जैसे प्रॉब्लम्स को भी ठीक करता है। इसके साथ ही साथ डायबिटीज में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि पैनक्रियास को स्टिमुलेट करते हैं जिससे कि ये इंसुलिन प्रोडक्शन को ठीक करके रेगुलेट कर सकते हैं और इसी के कारण जो हमारा ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो मेंटेन रहता है। तो इसके साथ साथ ही ये एंटीवायरल भी होता है। इनमें एंटीवायरल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। इसका जो फ्रूट होता है जो कच्चा फ्रूट होता है वो ज्यादातर मेडिसिनल यूज में लाया जाता है और इसके फ्रूट के सेवन से जो डिसेंट्री और डायरिया जैसे प्रॉब्लम है वो ठीक होते हैं और इसके साथ ही साथ ये हमारे इंटेस्टाइन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। इंटेस्टाइन को हेल्थ को ठीक करने के साथ साथ ही ये और भी बहुत सारे डिजीजेस में हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से इस छोटे से बेल के बहुत सारे मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है जिसके बारे में हमने आज जाना। और इस तरह से आप भी अपने आसपास के ग्रीन फ्रेजर्स को एक्सप्लोर करते रहिए और उनके बारे में नॉलेज गेन कीजिए और इस नॉलेज को अपने आसपास के सभी लोगों से शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो सके। थैंक यू।